हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिखा श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ 3 लेयर जेली पुडिंग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं जो भी इंग्रेडिएंट्स का यूज कर रही हूँ, सभी चीजें घर की हैं, सभी चीजें घर पर हमेशा अवेलेबल रहती हैं। मैं उन्हीं चीजों का यूज करके आपको ये 3 लेयर जेली पुडिंग बता रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से जेली बनाना बता रही हूँ। दूसरे नंबर पर मैं आपको कस्टर्ड बनाना बता रही हूँ। तीसरे नंबर पर मैं आपको तीनों लेयर को कैसे हमें सेट करना है और कितने अच्छे से हमें इसे सर्व करना है, ये मैं बता रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। मैंने सबसे पहले इसके लिए मैरी बिस्किट, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैरी बिस्किट का एक पैकेट लिया है, जिसे कि अब हम हल्का सा क्रश करेंगे। और बटर लिया है मैंने, 50 ग्राम बटर मैंने लिया है, जिसे मैंने मेल्ट कर लिया है। 50 ग्राम बटर को मैंने मेल्ट करके रखा है, इसे मैं क्रश कर रही हूँ मैरी बिस्किट को। इसके अलावा आप कोई भी अपने पसंद की जेली ले सकते हैं। मैं इसमें स्ट्रॉबेरी जेली का यूज कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने आधी जेली का पाउडर निकाल के रखा है। इसके अलावा मैंने आधा कटोरी के करीब मैंने गर्म पानी लिया है, हॉट वाटर लिया है। थोड़ी सी मैंने चेरीज ली है। अब मैं आपको इसके अलावा इसमें बता रही हूँ कस्टर्ड बनाना बता रही हूँ। कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने 1/2 लीटर मिल्क लिया है, जिसे मैं गर्म होने रख रही हूँ। 1 टेबल स्पून हम कस्टर्ड पाउडर लेंगे, जिसे मैं ठंडे दूध में डिजोल्व करूंगी। इसके अलावा मैं इसमें 3 चम्मच शक्कर डालूंगी कस्टर्ड बनाने के लिए। मैं आपको एक एक स्टेप क्लियर करती जाती हूँ, ताकि आपको ये पुडिंग बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। थोड़े से मैंने मैंगो के पीस लिए हैं। इसके अलावा मैंने फ्रेश व्हिप्ड क्रीम ली है, क्रीम अभी मैंने तैयार की है, और इसकी लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप जरूर देखें कि मैंने बहुत ही आसानी से अमूल फ्रेश क्रीम को कैसे व्हिप्ड किया है। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने मैरी बिस्किट को बहुत अच्छी तरह से हाथ से ऐसे क्रश कर लिया है। आप चाहें तो मिक्सर में भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं, मैंने हाथ से ही क्रश किया है। इसके अलावा मैंने 2 चम्मच जो जेली पाउडर लिया है, उसे मैं हॉट वाटर में गर्म पानी में डिजोल्व कर रही हूँ, और इसे अब हम रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा कर लेंगे। तो मैंने इसमें गर्म पानी का यूज किया है। बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स करें, ताकि हमारी जेली बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाए। जेली पाउडर मैं इसमें और यूज कर रही हूँ 1 चम्मच। अच्छी तरह से इसमें डिजोल्व हो गया है। मैंने इसमें 1/2 कप मैंने इसमें हॉट वाटर लिया है, जिसमें मैंने जेली पाउडर को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसे हम सेट होने रखते हैं रूम टेम्परेचर पे। जेली जब तक ये रूम टेम्परेचर पे सेट हो रही है, तब तक के हम ये मैरी बिस्किट, जिसे मैंने क्रश करके रखा है, उसमें मैं 50 ग्राम बटर, 100 ग्राम की बटर की एक टिक्की आती है, उसका मैंने 1/2 लिया है, जिसे मैंने मेल्ट करके रखा है, वो मैं क्रश किए हुए मैरी बिस्किट में एड कर रही हूँ। बटर डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसमें, और बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें। 50 ग्राम मैंने इसमें बटर लिया है, 1 पैकेट मैरी बिस्किट में। हमारा मैरी बिस्किट बटर में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पुडिंग की स्पॉट में सेट करना है, जो भी हम वेसल लें वो वेसल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि हमारा पुडिंग दिखने में भी बहुत सुंदर हो। मैंने स्क्वायर ट्रांसपेरेंट वेसल का यूज किया है। जिस भी वेसल का यूज करें, सबसे पहले उसमें बटर की ग्रीसिंग करते हैं, जिसे मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा है। हल्की सी इसकी हम ग्रीसिंग करेंगे। स्पॉट में बहुत अच्छी तरह से बटर की ग्रीसिंग कर ली है। अब मैं इस मिक्सर को इसमें डालूंगी और बहुत अच्छी तरह से इसे हम दबा दबा के सेट करेंगे और इवनली स्प्रेड करेंगे, ताकि पूरे पॉट में यह एक जैसा रहे। इसे इसमें रख दिया है, इवनली इसे सेट करें। इस तरह से इसे हम दबा दबा के सेट करें, इसे दबा दबा के सेट करें, ताकि हमारे लेयर भी बहुत सुंदर दिखे। फ्रेंड्स, मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से रख दिया है, सेट कर दिया है। अब इसे हम रेफ्रिजरेटर में 1/2 घंटे के लिए सेट होने रख रहे हैं। रेफ्रिजरेटर में रखें, कस्टर्ड की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैं 1/2 लीटर मिल्क जो मैंने इसमें लिया है, वो उसे मैं उबलने रख रही हूँ। दूध उबल रहा है, तब तक के हम एक चम्मच कस्टर्ड पाउडर को, 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर मैं ठंडे दूध में डाल रही हूँ। मैंने 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर डाला है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें, और इसे अब हम जब दूध हमारा उबल जाएगा, तब उसमें हम मिक्स करेंगे। उबल चुका है, अब इसमें मैं 3 टेबल स्पून शुगर डाल रही हूँ। 1/2 लीटर मिल्क लिया है मैंने, 3 टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर डाली है, और ये कस्टर्ड पाउडर जो कि मैंने आपको भी बताया था, 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, जिसे मैंने ठंडे दूध में घोल के रखा है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। कस्टर्ड डालने के बाद हमें इसे लगातार खिलाना है, ताकि लम्स ना आने पाए। हमें सिर्फ 5 मिनट ही पकाना है, ज्यादा देर पकाने की जरूरत नहीं। ये देखिए, कस्टर्ड गाढ़ा होने लगा है हमारा, बहुत अच्छी तरह से होने आया हमारा।
उसके बाद हम इसे गैस बंद करके इसे ठंडा होने रखेंगे। कर्ड हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक के जो मैंने पुडिंग की पहली लेयर सेट करने रखी थी इसमें मैं थोड़े से मैंगो के पीस डाल रही हूँ। आप अपने पसंद के कोई भी फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं, चाहे तो स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं या पाइनएप्पल डाल सकते हैं। पाइनएप्पल का अगर आप यूज करें तो हमेशा टिन पाइनएप्पल लें, फ्रेश पाइनएप्पल ना लें क्योंकि वह बहुत जल्दी कड़वा हो जाता है। मैंगो मैं फ्रेश ले रही हूँ, स्ट्रॉबेरी भी आप फ्रेश ले सकते हैं। सभी फलों की लेयर बिछाएंगे इसमें, चेरी भी रखेंगे ताकि खाने में आए तो बहुत ही अच्छा स्वाद आए। देखिए फ्रेंड्स, अब इसे मैं फिर से रेफ्रिजरेटर में इसे 10 मिनट के लिए रख रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ठीक हो चुका है, अब इसे हम ठंडा होने रख रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से उबल चुका है और ठीक हो चुका है। अब मैं गैस बंद करके इसे ठंडा होने रख रही हूँ। जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसकी सेकेंड लेयर सेट करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने ये देखिए पुडिंग के पॉट को मैंने फ्रीज में रख दिया था 45 मिनट्स हो गए हैं। अब इसमें जेरी जो कि मैंने रूम टेम्परेचर पे रखी हुई है वो इसमें हम डालेंगे और एक घंटे के लिए इसे वापस रेफ्रिजरेटर में सेट होने रखेंगे। इस तरह से हम इसमें स्ट्रॉबेरी जेली मैं डाल रही हूँ। स्ट्रॉबेरी जेली है ये मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे अब मैं 45 मिनट्स के लिए फ्रीज में सेट होने रख रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 45 मिनट्स हो चुके हैं, हमारी जेली जो मैंने डाल के रखी थी वो अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे सेट हो चुकी है। अब कस्टर्ड जो कि हमारा बहुत अच्छी तरह से ठंडा, कस्टर्ड हमारा जो बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है रूम टेम्परेचर पे, अब इसे हम इवनली स्प्रेड करेंगे इसमें इस तरह से 1 आवर के लिए सेट होने रखेंगे। ये देखिए आप देख रहे होंगे तीनों लेयर बहुत ही सुंदर दिख रही हैं। आखिरी लेयर जो मैं डालूंगी वो मैं व्हिप्ड क्रीम की डालूंगी और उसकी लिंक मैं आपको अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप जरूर चेक करिएगा। फ्रेंड्स, वेनिला कस्टर्ड जो मैंने अभी रेडी किया था वो मैंने बहुत अच्छी तरह से इवनली स्प्रेड कर दिया है। अब इसे मैं एक घंटे के लिए वापस रेफ्रिजरेटर में सेट होने रख रही हूँ। एक घंटे के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमें किस तरह से इसमें व्हिप्ड क्रीम स्प्रेड करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, 3 लेयर जेली पुडिंग हमारा पूरी अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं व्हिप्ड क्रीम स्प्रेड कर रही हूँ। क्रीम की व्हिप्ड अमूल फ्रेश क्रीम से व्हिप्ड क्रीम बनाने की रेसिपी का वीडियो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, प्लीज आप लोग उसे चेक करें। मैंने ये अमूल फ्रेश क्रीम से ही व्हिप्ड क्रीम तैयार की है, बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। अब इसे हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे। 3 लेयर जेली पुडिंग हमारा तैयार है, व्हिप्ड क्रीम से मैंने इसे स्प्रेड कर दिया है। अब छोटे छोटे मैं मैंगो के पीस जो मैंने अभी काट के रखे हैं गोल शेप में, इसे भी मैं इसमें लगा रही हूँ। ये पुडिंग भी बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है, आप इसे जरूर बनाइए। थोड़ा सा हम इसे चेरी से डेकोरेट करेंगे। जेली पुडिंग हमारा फाइनली तैयार है। फ्रेंड्स, हमारा जेली पुडिंग बिल्कुल बनकर तैयार है। यदि आपको 3 लेयर जेली पुडिंग की रेसिपी यदि अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल दिया हुआ है उस पर जरूर क्लिक करें ताकि आप मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले देख सकें। बिल्कुल फ्री है, मैं आपको फिर मिलूंगी एक नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ।